ज्योत्सना को जहरीली सांप काट लिया था। ज्योत्सना के माता पिता बेटी को पठानकोट के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जिसके इलाज में पैसों की जरूरत पड़ी। ज्योत्सना के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स और कई समाजसेवी संस्थाओं ने इस ज्योत्सना की मदद के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और लोगों से अपील भी की, 50,000 रुपये की मदद भी की। सभी नाहोटिया और अभिनव सूद सफल पुरजोर कोशिश भी। परसों मुझे एक मेरे मित्र का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदारों में एक लड़की जिसका नाम ज्योत्सना देवी है और उसे सर्पदंश हुआ था, तो अमनदीप हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और लगभग उनका खर्चा 1,25,000 रुपये उस दिन तक आ चुका था। तो मैंने भी देखा कि जब उन्होंने फोटोज और वो डिटेल भेजी तो उसका घर लगभग टूटा हुआ था और उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। वो तुरंत नूरपुर, फतेहपुर, ज्वाली के जितने भी लगभग सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे गैरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, यू हेल्पिंग हैंड्स फॉर पुअर है, या यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स है, या सुलेली विकास मंच है, कई ऐसी संस्थाएं जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सामाजिक मुद्दा इस विषय को बना दिया। कई ऐसे मित्र थे जो इस देश विदेश से भी अपने इस पुण्य कार्य के लिए अपना सहयोग कर रहे थे और लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर 4,30,000 रुपये इस लड़की के लिए, ज्योत्सना देवी के लिए इकट्ठे हुए। मैं उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सहयोग किया।